नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंडी जिला की चौहार घाटी के टिक्कन में पुलिस ने 2 किलो चरस व 700 ग्राम अफीम बरामद की है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी ने बताया कि पुलिस मंडी को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। मंडी जिला के चौहार घाटी में काफी संख्या में अफीम व भांग की खेती होती है। पिछले 4 से 5 महीनों में पुलिस ने 12 लाख से ऊपर अफीम के पौधों को नष्ट किया है। वहीं आज पुलिस टीम ने चौहार घाटी के टिक्कन में 2 किलो चरस 700 ग्राम अफीम बरामद की। एसपी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। जो हमारे मंडी में एक वैली है चौहार वैली के नाम से, जहाँ पे अफीम की भी काफ़ी तादाद में खेती होती है और साथ में कैनाबिस यानी भांग की भी, जिसको हम समय समय पर उसका उन्मूलन करने के अभियान करते रहते हैं। करीब 12 लाख से ऊपर अफीम के पौधे पिछले 4 से 5 महीने में उनका उन्मूलन किया गया और भांग के भी, लेकिन आज हमने काफ़ी इसमें कोशिश करने के बाद 2 किलो चरस बरामद किए इसी टिक्कन चौकी वाले इलाके में और साथ में 700 ग्राम अफीम भी। तो हम पूर्णतः इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि हम ड्रग्स को लेकर, इसके उन्मूलन को लेकर हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और इसमें हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। बता दें कि मंडी जिला सहित तो प्रदेश में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को नशे का आदि बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।